গিরেগা 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 আই। তো আপনি যদি বাঙালি ভিউয়ার আপনি বাংলা বলেন, আমার পায়ের জমিন পে টিকতা নেই হ্যাঁ। আজ না বেঙ্গান ভাজা করতে। হ্যালো মাই বিউটিফুল এঞ্জেলস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো আজ মে ব্লগ করি আর আভি অলমোস্ট 12 o'clock হো চুকা হ্যায়, লেকিন আজ বেঙ্গালোর কাজ মৌসম মে দেখ রি পুরা ক্লাউডি। আভি লাগেগা কি শাম কে অলমোস্ট 5:30 হো চুকা হ্যায়, এসা লাগ রা হ্যায়। বিলকুল ভি ধূপ নেই হ্যায় আর পুরা বাদল ছায়া হুয়া হ্যায়, বহুত ঠান্ডি ঠান্ডি হাওয়া ভি আ রা হ্যায়। এইবার মে আপ লোগো কো দিখাতি হুঁ বেঙ্গালোর কা মৌসম। ये देखो भाई कितना क्लाउडी है। ये जो दिवाली का मैंने तोरण लगाया था ये मैंने खोला नहीं, खोलना पड़ेगा। देखा पूरा क्लाउडी हो रखा है। सो या मैंने सोचा था कुछ कपड़े वपड़े आज धोने के लिए दूंगे, बट नहीं होगा, आज नहीं दे सकते, आज देंगे तो सूखेगा नहीं। सो या अभी पता है मैंने सुबह उठ के क्या क्या किया है। सुबह उठ के सबसे पहले आजकल मैं लेट उठ रही हूँ, अराउंड 8:39 उठ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं एट अ स्ट्रेच रात से मैं 8:39 तक सोती हूँ, क्योंकि बीच बीच में उठती हूँ, ऋषि को फिट कराती हूँ, फिर मेरी मेड आती है जो खाना बनाती है वो आती है, उसको वो जब जाती है तब भी दरवाज़ा बंद करती हूँ। तो मतलब हर एक डेढ़ घंटे दो घंटे में मुझे उठना होता ही होता है, और रात को सोते सोते भी आजकल 12:30 1 हो रहा है। तो मेरा जो 5 o'clock वाला रूटीन है वो गया, इसलिए मैंने बोला था पहले मैं सेटल हो जाऊँ 5 o'clock वाला रूटीन पे, कि जब ऐसा होगा कि कंटिन्यूस मैं काफ़ी दिन से 5 o'clock का रूटीन मैं कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी क्यों गया, क्योंकि पहले मैं जल्दी सोती थी, 11-12 बजे के अंदर मैं सो जाती थी, मतलब नींद में। लेकिन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि दिव्यांदु का भी काम कुछ लेट चल रहा है, मतलब वो भी लेट से सो रहा है। तो अगर मैं सो गई, उसको नहीं बुलाया, कभी कभी वो ना काम करते ही रहता है करते रहता है, फिर उसको भी बुलाना रहता है, इसलिए ये करते करते मेरा नहीं हो रहा है। और जब मैं 1:30 या 1 बजे मैं सोने के लिए जा रही हूँ तब ऋषि उठ जाता है, मतलब वो 8:30 को सोता है। फिर एक दो बार उठ के 10 o'clock से वो एट ए स्ट्रेच मतलब 2 बजे तक अराउंड वो सो जाता है। तो 2 बजे के अराउंड उसको फिर से भूख लगता है तो वो उठ जाता है, तो तब मैं बस नींद में होती हूँ, तो फिर से उठ के फीड कराती हूँ। तो यही चलता है मेरा, आई थिंक इट्स नॉर्मल, क्या ही बताओ। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मतलब सर के ऊपर टूट पड़ा है, वो है कि मेरे आज जो बर्तन और झाड़ू पोछा वाली मेड वो नहीं आई है। सिर्फ आज के लिए नहीं, एक दिन के लिए तो इट्स ओके, आई कैन मैनेज, 3 दिन के लिए नहीं आएगी क्योंकि वो तिरुपति जा रही है। तो ऑब्वियसली तिरुपति इज़ लाइक हाँ बाबा गोविंदा भाई गोविंदा, बट हमें भी जाने का बहुत मन है, देखते हैं क्या करते हैं। मतलब हम लोग गए थे एक बार तिरुपति, आई थिंक 2020 और 2019 ऐसे इस टाइम पे गए थे तिरुपति। तो मैंने उनको बोला है प्रसाद लेके आना, तो हाँ जो भी है तिरुपति गए हैं। तो इतना सारा बर्तन और घर का झाड़ू पोछाई भी बाकी है, तो आज मैं सोच रही हूँ शायद पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, झाड़ू पोछा, क्योंकि नहीं होगा इतना, क्योंकि बर्तन बहुत कुछ है। और कल मैंने सोचा था जो बर्तन मैं यूज़ करूँगी तभी मैं धुल के रख दूँगी, तो क्या होता है ना सिंक में बर्तन ज़्यादा जम नहीं जाता है, जब सिंक में जम जाता है ज़्यादा बर्तन तब मुश्किल होता है। तो आज मैंने क्या किया है, सुबह उठ के ही सबसे पहले ऋषि को तो फिट करवाया, ऋषि को फिट करवा के फिर मैंने कुछ बर्तन मैंने क्लीन किया है। ये देखो ये देखो ये जो बर्तन है ये मैंने ऑलरेडी क्लीन करके रखा है, फिर भी बाकी है इतना सारा बड़ा वाला वाला बर्तन। तो क्योंकि ऋषि तब रो रहा था, इतना टाइम लगता है ना थोड़ा ये साफ करने में, और वो ना आजकल अकेला नहीं रहना चाहता है, मतलब उसके साथ रहो खेलो या तो फिर पास में बस बैठे रहो तो भी वो चुप रहेगा। तो हाँ मैंने सोचा कि ठीक है आधा करके रखती हूँ, आधा ये जो है आधा मुझे अभी करना है। तो या और क्या है, और फिर ये सब करके ऋषि को मैंने 11 बजे नहलाया, नहला के फिर उसको
हाँ उसका साउंड आ रहा है, उसको नहलाया, नहला के उसको सुला दिया, 11 बजे सोया है और 11:45 को वो उठ गया। तो 45 मिनट्स का ही उसका नैप रहता है, अभी वो उठ गया है। तो इस 45 मिनट में मैंने क्या किया है, मैं बहुत बक बक कर रही हूँ मुझे पता है, लेकिन आई नीड टू टेल यू कि मैंने सुबह से क्या क्या किया है। तो इस 45 मिनट्स में मैंने क्या किया है पता है, मैंने जो बंगाली चैनल है मेरा रॉय एंड रॉय, मैंने आप लोगों के साथ शायद वीडियो में, हाँ लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं सोच रही हूँ मैं करूँगी, तो मतलब नेकी और पुछ पुछ जो मैंने सोचा है वो मैंने कर ही दिया है। तो हाँ मेरा जो रॉय एंड रॉय चैनल है उधर मैं बंगाली शॉर्ट डाल रही हूँ, ऑलरेडी 2 वीडियो जा चुका है, तो आज जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक एक और शॉर्ट जा चुका होगा, और उस टॉपिक और हिंदी चैनल के टॉपिक से कोई लिंक नहीं होगा, तो नया नया मैं डालूंगी। सो आई एम ट्राइंग टू डू न्यू फॉर यू ऑल। तो अपनी जो बांगाली व्यूअर अपनी बांगला बोलें और हमार बांगला शॉर्ट देखते पसंद करें, बांगला शॉर्ट देखते चान, ताहले प्लीज रॉय एंड रॉय चैनल के सब्सक्राइब करूँ। और ओखाने आमी ऋषि के निये या आमादेर निये जो माने दिन सारा दिने जा जा करते थाके एइसबेर ब्यापारे किछु शॉर्ट आमी शेयर करब आस्ते आस्ते, प्रथमे शॉर्ट शेयर करब तारपर आस्ते आस्ते हयतो ब्लगो शेयर करब। तो शॉर्ट दिए शुरू करछि। तो या दैट वाज सम एक्स्ट्रा फॉर माई बंगाली व्यूअर्स, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे बंगाली व्यूअर्स हैं मुझे पता है। अरे 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 देखो धूप निकला है, अच्छी बात है। तो हाँ वो है, तो बंगाली शॉर्ट रिलीज़ किया, हिंदी शॉर्ट रिलीज़ किया, इंस्टाग्राम पर भी रिलीज़ किया, तो 3 जो काम है मेरा हो चुका है। एंड या अभी ऋषि भी उठ चुका है, मतलब ये काम करते करते एडिट करके, एडिट मैंने एक्चुअली रात को ही करके रखा था, तो ये सब करते करते रिलीज़ करते करते ऋषि उठ गया है, ये देखो। और ऋषि को ना मैंने जब वो उठ गया मैंने देखा है, 15 मिनट से वो इधर ही है जगा हुआ, वो कर रहा है मतलब खेल रहा है, ऐसा नहीं रो रहा है, लेकिन मैंने इसको इधर से निकाला नहीं है इसलिए, क्योंकि अगर मैं इसको लेके प्लेमैट की तरफ लेके जाऊंगी ना तो वो ही विल बी लाइक आओ मेरे साथ खेलो। ये देखो इधर ही है अब, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ तो ये चुप हो गया। देखो पैर कैसे रखा है इसका, पैर ना जमीन पे टिकता ही नहीं है, हमेशा पैर आसमान की तरफ रहता है, क्यों बेटा? अच्छा चलो अब बताओ तुम्हारा पैर जमीन पे टिकता नहीं है। हाँ और इसको ना साइड पिलो चाहिए, साइड पिलो अगर मैं दे दूंगी तो आप मतलब मानोगे नहीं कि कैसे वो बिल्कुल बड़े आदमी की तरह साइड पिलो के ऊपर ऐसे पैर टिका के सोता है, और जब साइड होके सोता है ना तब ऐसे, दिखाओ दिखाओ ऋषि दिखाओ तुम साइड होके कैसे सोते हो, टक टक। हाँ अभी नहीं हो रहा है, पूरा इसके ऊपर हाथ इसके ऊपर पैर देके ऐसे साइड होके सोता है। हो बच्चा मेरा परेशान हो गया, जब तक मैं बर्तन धुल रही थी ना थोड़ा टाइम लग गया 10-15 मिनट। तो ऋषि देखा आप लोगों ने वो जगह हुआ था, देखो कैसा कर रहा है, तो वो बुला रहा था वाह करके 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 कर, लास्ट में ही वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग। और हाँ वो जो असली चीज़ जो मैं बताने वाली थी, ये हाफ रहा है, एट मम्मा इधर ही है बेटा। मैं उधर कहाँ पे लेटा के गई थी और वो मुझे कहाँ मिली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि अभी ये थोड़ा ना वो चेस्ट पे क्रॉल करता है, मतलब चेस्ट के ऊपर सपोर्ट देके ना वो पैर फोल्ड करके कल से ये करने लगा है। तो मैंने आपको दिखाती हूँ, रुको ये देखो, ये है ऋषि का पिलो, ये सरसों का पिलो है ना, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, ऋषि ने इसको कुचल दिया है। तो इधर ऋषि सो रहा था, उधर एक पिलो है, उसके उस साइड पे भी पिलो है, ये भी बड़ा वाला पिलो है, इधर भी पिलो है। मैंने ऐसे लेटा के मैं गई बर्तन धुलने के लिए, और ये ऋषि भाई साहब मुझे इधर मिली। कैन यू इमेजिन वो इधर कैसे आया, मतलब इधर से उल्टा हुआ फिर से उल्टा हुआ फिर से उल्टा होके वो उधर था। तो अगर मैं टाइम पे नहीं आती तो उधर से
तो मुझे पता चल गया है कि अभी मैं ऋषि को और ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि इससे पहले ये बस पलटता था, इतना मूव नहीं करता था। अभी भाई ऋषि बच्चा ही हैज़ बिकम स्मार्ट, अभी ये डबल पलटने लगा है, मूव करने लगा है, तो अभी मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको प्ले मैट पे लेटा दूँगी तो यही चलेगा। सीरियसली इट इज़ डिफ़िकल्ट जब मतलब आपके पास बेबी होता है, तब हाउसवाइफ होता है तो कितना मदद हो जाता है, अदरवाइज वेरी डिफ़िकल्ट। सो वी रियली डोंट यू नो अप्रिशिएट आवर हाउस हेल्प, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, बट हाँ जब वो नहीं होते तब पता चलता है भाई कितना हेल्प हो जाता है। एंड मैं तो शुरू से ही बहुत मतलब मैं ग्रेटफुल मानती हूँ दोनों पे, क्योंकि मेरा जो कुक है और जो मतलब साफ़ सफाई करने वाली जो है बर्तन एंड झाड़ू पोछा, तो दोनों ही मतलब अच्छे से काम करते हैं और मुझे पता है ये दोनों हैं, इसलिए मैं सिर्फ ऋषि का ध्यान कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे ऋषि का ध्यान करना, फिर भाई खाना बनाना, फिर बर्तन भी धुलना, फिर साफ़ सफाई भी करना, मतलब रोज़ झाड़ू पोछा, क्योंकि बच्चा है तो हाइजीन तो मेंटेन करना पड़ेगा। इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट। तो ऐसा नहीं होता है, होता है, और ऊपर से मेरा 3 BHK हाउस है तो काफ़ी बड़ा है, तो और हमारा ना बर्तन भी बहुत ज़्यादा लगता है, हम एक एक बार खाते हैं तो एक एक नया बर्तन निकालते हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा यू नो 3 दिन थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा। तो या फाइनली मैंने नहा लिया है, पूजा वूजा कर लिया है और चावल भी चढ़ा दिया है लंच के लिए। तो ये है ऋषि बाबा, देखो मेरे सेल्फी स्टिक को लेके खेल रहा है। अब ये बैठ सकता है इंडिपेंडेंटली, काफ़ी देर तक बैठ सकता है, और कुछ लेने की अगर कोशिश करता है तो इधर उधर डुब डाप गिर जाता है, कभी भी गिर सकता है, तो इसलिए आसपास मुझे कुशनिंग करके रखना पड़ता है, नहीं तो मैं वो जो फिटिंग पिलो है ना, ये देखो गिरेगा 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 गिरेगा। माई गॉड क्या हो गया। ये देखो अभी मैं इधर प्ले मैट पे हूँ और इधर ऋषि खेल रहा है, और इसका ना एक बंदर वाला आपने शॉर्ट में देखा होगा, बंदर वाला एक है वो मैंने इसको दिया, बंदर घूम रहा है, फिर ये रोने लगा। आजकल इसका कुछ नया हुआ है, जब भी कुछ लाउड साउंड होता है या ऐसा कुछ होता है तो ये रोने लगता है। अभी ये ऐसे रो रहा है क्यों पता है, क्योंकि अच्छा मुझे बोलने तो दो, क्योंकि कुकर मैंने राइस चढ़ा के आई हूँ और अभी विसल बजेगा, तो विसल पे उससे पहले जो साउंड आता है ना, क्या हुआ उससे पहले जो साउंड आता है ना, वो साउंड इसको सुनाई दिया है। इवन कुकर के सीटी पे भी ये बहुत मतलब पता नहीं ये रोने लगता है। क्या आपका बच्चा भी ऐसा करता है, प्लीज़ मुझे बताना। इसको थोड़ा सा मैं संभालती हूँ। अरे तो बेटा रेसी बेटा, अभी कुकर में सीटी बजेगा। ओके तो खाने में आज ना चने के दाल बना है, तो अभी हम लंच करेंगे। सडनली मुझे याद आया कि घर पे बैंगन है, और चने के दाल के साथ बैंगन का भाजा, जो हम बंगाली में बोलते हैं बैंगन भाजा, यम्मी कॉम्बिनेशन है। तो मुझे बहुत मन किया कि आज ना बैंगन भाजा करते हैं। तो मौसी ने ऑलरेडी जो दाल के साथ भिंडी फ्राई करके रखा है, बट आई एम लाइक नहीं यार खा लेते हैं। तो ये देखो मैंने बैंगन में नमक हल्दी डाल दिया है, अब मैं फ्राई करूँगी। ये है बैंगन, अब ये मैं सूजी के ऊपर थोड़ा सा डालूँगी ताकि ये फ्राई करने के बाद ना क्रिस्पी हो। यस तो अब देख सकते हो इधर बन रहा है मेरा बैंगन भाजा। अभी भी बनना बाकी है। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग मिल रहे हैं बहुत टाइम के बाद। अभी पीछे आप देख सकते हो टाइम कितना हुआ है, 7:45 हो चुका है। एक्चुअली
ये रुशीना 2 बजे सोया था, ठीक है, 2 से 3 बजे तक। तो उतने टाइम में मैंने ब्रेकफास्ट बोलूँ लंच वंच कर ली, उसके बाद 3 बजे उठ गया, फिर 3 से लेके 5 बजे तक पूरा जगा हुआ था। मुझे इतना नींद आ रही थी लेकिन मैं सो नहीं पाई, ये जगा हुआ था। फिर इसको एंटरटेन करते करते फिर 5 बजे ये सोया, फिर मैं भी सो गई। फिर 5 से 6:30 बजे तक पूरा मैं सोई हूँ, ये भी सोया था। फिर मैं 6:30 बजे ऐसे उठी, अरे 6:30 बज गया। आज 6 बजे से पहले मैं उठा देती हूँ, जनरली 1 घंटे का नैप देती हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ सो रही थी ना, इसलिए, नहीं तो ये 1 घंटे से पहले उठ जाता है। मैं सो रही थी तो इसलिए भी रुचि भी ज़्यादा सोया। तो या यही हुआ, अभी शाम का पूजा आरती वगैरह करना है। चलो 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 सो जाते हैं, चलो पूजा करते हैं, पूजा। ओके दोस्तों, सो लेट्स कॉल इट अ डे। अभी इवनिंग हो चुका है, मतलब 7:30 हो चुका है, मैंने बोला है ऑलरेडी। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही सो लिया इवनिंग का टाइम पूरा, मतलब इवनिंग पे ना, शाम को, मतलब जब धूप चला जाता है उस टाइम पे मैं अभी ऋषि को थोड़ा छत पे लेके जाती हूँ, उधर बहुत सारे बच्चे वगैरह खेलता रहता है तो उसको देख के अच्छा लगता है। तो आज नहीं हो पाया, आज मैं सो गई क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रहा था। तो एनीवेज, तो आज का दिन इधर ही एंड करते हैं। अगर आप ये व्लॉग एंड तक देख रहे हो, मतलब कुछ तो अच्छा लगा है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। आई शेयर मोर एंड मोर अबाउट आर लाइफ। सी माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।